बहुत खुशनसीब है वो बहन जिसके पास एक भाई होता है, चाहे कोई सी भी मुसीबत हो लेकिन उसका भाई हमेशा उसके साथ होता है। चंद शहर और देखें कि किराए का मकान कितना भी अच्छा हो शहर में पर, किराए का मकान कितना भी अच्छा हो शहर में पर, वो मेरे गांव जैसा घर तो आखिर बन नहीं जाता। ज़रूरत की सभी चीज़ें मयसर हैं यहाँ, लेकिन मैं जब तक गांव ना जाऊँ ये खालीपन नहीं जाता। मैं जब तक बहुत शुक्रिया, मैं जब तक गांव ना जाऊँ ये खालीपन नहीं जाता। और देखें, एक नज़्म आपने 80s 70s की बात करी, मैं उससे थोड़ा सा और आगे आता हूँ। 90s के दौर की एक नज़्म है, अपने दौर की, कि अब वक्त किसे की याद करे, अब वक्त किसे की याद करे, उन भूली बिसरी बातों को, उन सौंधी सौंधी रातों को। अब वक्त किसे की याद करे, उन भूली बिसरी बातों को, उन सौंधी सौंधी रातों को, जब सोने से पहले हम छत को रोज़ भिगोया करते थे। जब सोने से पहले हम छत को रोज़ भिगोया करते थे, जब चादर पर लेटे लेटे कुछ ख्वाब पिरोया करते थे। जब आधी रात को चेहरे पर बारिश की बूंदें गिरती थी, हम नींद में ही बिस्तर लेकर तब कैसे भागा करते थे। जब तक बारिश ना थम जाए हम तब तक जागा करते थे। अब वक्त किसे की याद करे, उन भूली बिसरी बातों को, जब लालटेन की जर्द रोशनी में हम लिखते पढ़ते थे। जब टीचर से भी बात बात में बिना बात के पिटते थे। जब स्कूलों के रास्ते में हम चने उखाड़ा करते थे। जब तितली के पंखों में धागे बांध उड़ाया करते थे। जब गुल्ली डंडा क्रिकेट कबड्डी कंचे खेले जाते थे। जब दुर्गा पूजा देखने हम सब दूर दूर तक जाते थे। जब शक्तिमान देखने को बैटरी लगाया करते थे। जब भाड़े पर कॉमिक्स मंगाकर चोरी चोरी पढ़ते थे। जब टूर्नामेंट खेलने को एक टीम बनाई जाती थी। जब चंदा लेकर कैनवास की गेंद मंगाई जाती थी। जब रेडियो पर हम क्रिकेट कमेंट्री विविध भारती सुनते थे। जब एक साइकिल तीन सवारी फिर भी झूम के चलते थे। अब वक्त किसे की याद करे, उन भूली बिसरी बातों को, उन सौंधी सौंधी रातों को, उन रिश्तों उन जज्बातों को, उन गांवों की बारातों को, जिनका एक जोश अलग ही था, जिनकी होती तैयारी थी, त्योहारों वाली रातों को आंखों आंखों बेदारी थी। अब वक्त किसे की याद करे, जब दिवाली दिवाली थी होली का रंग अलग ही था। जो सच पूछो त्योहारों का असली उमंग तो तभी था। अब वक्त किसे की याद करे, उन भूली बिसरी बातों को, मुझको यूं ही बर्बाद न कर, यादों का खजाना कहता है। मैं गांव से बाहर हूं लेकिन एक गांव तो अंदर रहता है। नवंबर 19 इंटरनेशनल मेंस डे, लड़कों का दिन, मर्दों का दिन, आपका और मेरा दिन, मुबारक हो आप सभी लोगों को। मजे की बात यह कि हम में से बहुत ज्यादा लोगों को, लड़कों को और मर्दों को, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं कि उनके नाम का एक दिन भी है। क्या आप भी उन्हीं में से हैं? खैर कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे लड़के मर्द होते हैं जो वैलेंटाइंस डे से हफ्ते भर पहले ही बहुत सारे डेज मनाते हैं, पूरा का पूरा गुलदस्ता खरीद कर रेडी रहते हैं, लेकिन आज के डे के बारे में यानी इंटरनेशनल मेंस डे के बारे में उनको क्यों नहीं पता है? आइए जरा इस पर एक नजर डालते हैं, बात करते हैं लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। क्या तुमने किसी मर्द को देखा है, उसके पीछे छिपे उसके दर्द को देखा है? नहीं देखा है तो आज मेरी नजर से देखो, अच्छी बुरी हर तरह से देखो, क्योंकि वो देखना जरूरी है जो अनदेखा है, जिसने फीलिंग्स की बाढ़ को अपने जिगर से रोका है। ये आसान बात नहीं होती, दुनिया मर्द के लिए कभी नहीं रोती,
किसी को फर्क नहीं पड़ता कितनी कठिन उसकी डगर है। आपको तो पता भी नहीं है कि आज के अखबार की वो एक खबर है। जेब की सेविंग्स चाहे सुट्टे में उड़ाता हुआ, पूरे घर के लिए अकेला कमाता हुआ, खुद सैड रहकर बच्चों का न्यू ईयर हैप्पी मनाता हुआ, मिल जाएगा कोई ना कोई मर्द आपको अपना दर्द छुपाता हुआ। अरे बॉर्डर पर तुम्हारे लिए लड़ता हुआ, समाज में चार लोगों से डरता हुआ, एक फौजी के सीने का नाप भी है, हाँ वो एक बेटी का बाप भी है, तूफानों में भी अपना पैर जमाया हुआ, मेहनत के पसीने से नहाया हुआ, मिल जाएगा तुमको कोई ना कोई मर्द अपना दर्द छुपाया हुआ। वो एक भाई भी है, राखी से बंधी उसकी कलाई भी है, वो इंट्रोवर्ट भी है, बैटमैन वाली उसके पास एक टी शर्ट भी है, एक लड़की पर वो मरता भी है लेकिन हाँ उसको कहने से वो डरता भी है, दिल उसका भी टूटा है लेकिन वो नाराज नहीं है, वो एक ऐसी चीख है जिसमें आवाज नहीं है, क्योंकि किसी का दुपट्टा उसके लिए कोई टॉय नहीं है, आशिक तो है लेकिन प्लेबॉय नहीं है, हजार परेशानियों में भी मुस्कुराता हुआ, लाख तकलीफ में भी कुछ ना बताता हुआ, हाथ उठाए तो बेदर्द भी है, मार खा जाए तो नामर्द भी है, माना कि वो परफेक्ट नहीं है, क्या इसीलिए उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, रोज अंदर थोड़ा थोड़ा मरता हुआ, अंधेरे से ज्यादा सवेरे से डरता हुआ, हर कंडीशन में खुद को एडजस्ट करता हुआ, मुर्गा होकर कसाई पर ट्रस्ट करता हुआ, खुद भूखे रहे हर परिवार को खिलाता है और दिन में चार बार ऑल मेन आर डॉग गाली भी वही खाता है, वो एक पति भी है, मजाक में कहो तो एक दुर्गति भी है, शॉपिंग बैग्स के बोझ को उठाया हुआ, क्रेडिट कार्ड से अपनी नजरें चुराया हुआ, सबकी फिजूल खर्ची का उसके पास हिसाब है, चेहरा उसका एक खुली किताब है, ओवर टाइम में वो सोता नहीं है, बोनस ना मिले फिर भी वो रोता नहीं है, माँ और बीवी दोनों ही उसको प्यारी हैं, पूरे घर की उसके ऊपर ही जिम्मेदारी है, जिंदगी ने उसकी बराबर मारी है, कहीं डॉक्टर कहीं इंजीनियर तो कहीं प्योन भी है, थोड़ा बहुत उसके सर पर लोन भी है, इतना सब देकर भी वो सारथी है, लोग कहते हैं उसकी पेट्रियार्की है, वो ज्यादा रूड नहीं है, शायद इसीलिए कईयों के लिए वो डूड नहीं है, ये भी तो एक तरीके का गम ही है, गलती चाहे किसी की भी हो दोषी तो हम ही हैं, तुम तो लड़के हो तुम्हें क्या डर है, ये उससे पूछे जो ग्रेजुएशन करने के बाद भी घर पर बैठा है, क्योंकि बेरोजगार से कोई नहीं पूछता भाई तू कैसा है, दिक्कत ये है कि लोग उसको समझते नहीं है, जानते सब है फिर भी कुछ कहते नहीं है, क्योंकि बॉस इस सोसाइटी का एक ही रूल है, जो इमोशनल है ना वही फूल है, तो भाई जिंदगी में कभी रोने का नहीं, आंसुओं के दाग अपने शर्ट से धोने का नहीं, कल हो ना हो ये तो एक फिल्मी बात है, मगर बाहर की भीड़ में अपने आप को कभी खोने का नहीं, क्योंकि जीने का यही एक वे है। मुबारक हो, आज इंटरनेशनल मेंस डे। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों को हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मर्द दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पुरुष मर्द जरूर होगा जिसने आपको कभी ना कभी स्पेशल या ब्यूटीफुल फील कराया होगा, उसे इस वीडियो में जरूर टैग करें या ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो टैग करें, उनका नाम इस पर जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, और अगर आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर लिखें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भी कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर लिखें। मैं देखना चाहूंगा कि किन किन का नाम किन किन ने लिखा है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और हेलो मोबाइल ऐप भी आपके फोन में है कि नहीं हमारा वाला, ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं जल्दी।